बलौदा बाजार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 108 एम्बुलेंस से 7 क्विंटल गांजा जब्त किया है। दरअसल बीते दिन पुलिस को 108 एम्बुलेंस में गांजे की तस्करी करने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस 108 में गांजा तस्कर करने वाले दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 7 क्विंटल गांजे के साथ धर दबोचा। बता दें कि आरोपियों से बरामद गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों से 50,000 रुपए की नकदी भी जब्त की गई। बलौदा बाजार से सुरेश पुरैना की रिपोर्ट। कुल 7 क्विंटल यानी 752 किलो गांजा उसमें मिला, जिसकी अगर मार्केट में वैल्यू देखी जाए तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच होती है। तो इस तरह एक बड़े खेप जो है ले जा रहे थे, जो उड़ीसा के बड़गढ़ जिले से शुरुआत हुई थी और मध्य प्रदेश तक ले जाए जाने की इनके द्वारा जानकारी मिली है। इसमें हम लोग और भी पूरी तरह से इसका उसके जो सेल आईडीज हैं और जो हमारे टेक्निकल टीम को लगाए हैं, ताकि इनमें हम एंड टू एंड जहां से उन्होंने ऑपरेट शुरू हुई थी और कहां जाना था और किस एंड यूजर तक जाना था, उन तक जो है हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है हमारी कार्रवाई आगे बहुत जल्द इसमें पूरा करेंगे।